हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाएंगे मैक्रोनी बॉल्स। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बहुत ही यमी यमी रेसिपीज देखने को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना मैक्रोनी बॉल्स। बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम्स बॉइल्ड और मैश किए हुए आलू। उसमें हम डालेंगे 1 कप बॉइल्ड मैक्रोनी, 1 टीस्पून जिंजरगार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब डालेंगे 2 टेबलस्पून बॉइल्ड कॉर्न्स, 2 टेबलस्पून चॉप शिमला मिर्च और फ्रेशली कट किया हुआ हरा धनिया। एक टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज़, आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, यहाँ पर मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे मेयोनीज। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई, अब थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन उठाएंगे और जिस भी साइज़ के आपको बॉल्स बनाने हो बॉल्स बना लें। इसी तरह से मैं सारे बॉल्स रेडी करूंगी। मैक्रोनी बॉल्स सारे मैंने रेडी कर लिए, अब हम इन्हें कोट करेंगे। हमें चाहिए ड्राई मैदा, मैदे की स्लरी। यहाँ पे सिंपली 4 टेबलस्पून मैदे को मैंने थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके पतला सा बैटर बना लिया है। और ब्रेड क्रम्स, पहले हम ड्राई मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद स्लरी में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अब एक एक करके मैक्रोनी बॉल उठाएंगे। सबसे पहले ड्राई मैदे में रोल करेंगे, स्लरी में डिप करेंगे, अब कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। इसी तरह से सारे मैक्रोनी बॉल्स की मैं कोटिंग कर लूंगी। मैक्रोनी बॉल्स यहाँ पे मैंने सारे रेडी कर लिए, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। अब हम मैक्रोनी बॉल्स को डीप फ्राई करेंगे। मैक्रोनी बॉल्स हमारे अच्छे तरह से फ्राई हो गए, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इन्हें निकाल लेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे फीडबैक देना ना भूलें।